गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और जैसे जैसे आपको मेरे टॉपिक्स मिलते जा रहे हैं, नई नई चैप्टर आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, हर सब्जेक्ट में आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। रिसेंटली स्टूडेंट्स, कल हमने एक चैप्टर नंबर 13 चालू किया था, मोशन एंड टाइम, और इसमें मैंने आपको टाइम के बारे में बताया। टाइम कहाँ से आया, कितनी इंपॉर्टेंस रहता है हमारे जीवन में, टाइम का यूटिलाइज कैसे करना चाहिए, जो पिछले 6 या 7 मंथ से स्कूल बंद है उस टाइम को भी आप कैसे यूटिलाइज करो। तो टाइम का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ का टाइम फिक्स होता है। मैंने कल बताया था आपको, खाना खाने का टाइम, खेलने का टाइम, स्टडी का टाइम, स्कूल जाने का टाइम, स्कूल में बेल वगैरह बजती है उसका भी टाइम, हर चीज़ का इवन ऑल टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम मेजरमेंट ऑफ टाइम जानेंगे, टाइम को मेजर कैसे किया जाता है, मेजरमेंट कैसे कैसे मापा गया होगा। स्टार्टिंग टाइम में घड़ी, अब तो घड़ी हम देख ले, टाइम घड़ी, पहले घड़ी कहाँ से आई होगी, पहले लोग बाग कैसे टाइम को देखते थे। आओ चैप्टर चालू करते हैं, पेज नंबर 227 निकालेगा आप लोग, ठीक है स्टूडेंट। इसमें टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय का मापन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू नाउ हाउ टाइम इज मेजर्ड। इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज इवेंट्स इन फिनोमा विच रिपीटेड रेगुलरली इन टू मेजरिंग टाइम। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है थिंग्स टू नाउ, जानना हाउ टाइम इज मेजर्ड, कि समय को कैसे मापा गया होगा। इन अर्लियर टाइम्स, प्रारंभिक समय में पीपल यूज, लोग बाग काम उपयोग में लेते थे इवेंट्स और फिनोमा विच रिपीटेड रेगुलरली मेजरिंग टाइम। इन ऑल प्रोबेबिलिटी अर्लियस्ट मेथड ऑफ टेलिंग टाइम्स वाज द पोजिशन ऑफ सन इज द स्काई। सूरज का इस्तेमाल, सन है ना हमारा आसमान में सूरज, उसके हिसाब से टाइम को देखते थे कि सूरज छिपने वाला है अब वही टाइम। मतलब उनके पास कोई पर्टिकुलर पैमाना नहीं था कि 6:07 हो गए, 5:02 हो गए, ऐसा कोई उनके पास घड़ी नहीं थी जो एक टाइम का वो आइडिया लगा सकते थे। वो सन पे डिपेंडेबल रहते थे, सूरज पे डिपेंड रहते थे। We now the earth rotate around axis in 24 hours, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी है ना अपने एक्सिस पर, अपने धुरी पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगा लेती है, उसी से दिन और रात होते हैं। ये बात आपको समझ लें, एसएस में पढ़ी होगी, आपके सरों ने पढ़ाया होगा। This in turn result in the formation day and night, इसी के कारण दिन और रात होते हैं। However, to the people on the surface on earth, इट appears if द सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो इसी प्रकार अर्थ जो है ना सन के चारों राउंड लगाता है, और राउंड लगाने के दौरान ही दिन और रात होते हैं, तो उसी से जो पहले के लोग होते टाइम का अंदाजा लगाते थे। द सन appears एट हाइएस्ट पोजिशन एट द नून, लोग पहले दोपहर, नून में दोपहर, आज हम दोपहर का अंदाजा कहते घड़ी से 12 बज गए, 11 बज गए, दोपहर ही हो चुकी है, 1 बज गए, 2 बज गए। लेकिन पहले क्या होता था, जब सन हमारे हेड के ऊपर हो जाता था, सर के ऊपर, अभी भी सर के ऊपर हेड हमारे, दोपहर में आप कभी सर से बाहर निकलोगे, घर से बाहर, तो आपको लगेगा कि सूरज हमारे छत सर पर खड़ा है, मतलब छत पर ही हमारे सर पर ही है, मतलब हमें धूप बहुत तेज लगती है। तो पहले उस बेस पे आइडिया लगाया जाता था कि नून दोपहर ही हो चुका है, जैसे धूप लगने लग जाती थी, धूप तेज होती थी, तो हाँ लग जाता था लोगों को कि अब नून हो चुका है, दोपहर ही हो चुकी है। द अदर यूनिट ऑफ टाइम used by them was full moon to another full moon from season to another। आज हम पूर्णिमा, अमावस्या बोलते हैं जिनको हम हिंदी में, पहले चंद्रमा पूरा दिखता था, पूर्णिमा बोलते थे आधा दिखता था, तो पहले आइडिया नहीं लगता लोगों को कि 15 दिन में ये होता, इस तरीके से कोई पर्टिकुलर हमारे पास टाइम नहीं था। दिस टाइम, नेक्स्ट पेज पर आइएगा, दिस टाइम इंटरवल कुड नॉट बी यूज एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहले कोई स्टैंडर्ड हमारे पास रीजन नहीं था, मतलब पूरी बात, 100 बात की एक बात आज के लिए मैं आपको एक बताना चाहूँगा, हम पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड थे, सन पर और मून पर डिपेंड थे अपने टाइम के लिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और भी जानेंगे कि टाइम को मेजरिंग के क्या क्या चीज़ें आती गई। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।